यूनिट नंबर थ्री वुमेन एज रोल मॉडल पेज नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पोजिशन वर्ड्स इन कम्प्लीट सेंटेंसेस सो यहाँ पे हमें आ, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और सामने एक पिक्चर दी गई है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है ग्रास के ऊपर उसके पास पानी है एक वो किसी लेख के करीब बैठा हुआ है इसके अलावा हम देख सकते हैं उसके पास कुछ टॉयज पड़े हुए हैं फेंस लगी हुई है एक काऊ है जो कि उधर ही खड़ी है और इट्स अ सनी डे क्योंकि यहाँ पे हमें सूरज भी दिखाई दे रहा है पिक्चर में उसके ऊपर जो है बच्चे के ऊपर एक ट्री है यानी वो ट्री जो है उसके शेडो में नीचे बैठा हुआ है और पास कुछ परिंदे जो है वो भी उड़ रहे हैं सो इट वॉज अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो कि हम यहाँ पे सारी डिटेलिंग पिक्चर की देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो वट आर पोजिशन वर्ड्स क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पोजिशन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर है सो पोजिशन वर्ड्स जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं यानी वो चीज़ कहाँ पर मौजूद है अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो हम जैसे ऑन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो उसके नीचे है तो हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं अगर को, कोई किसी के साथ है तो हम उसके लिए हम बिसाइड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अगर कोई किसी चीज़ के पीछे है तो हम उसके लिए बिहाइंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं सो so, ये सारे वर्ड्स जो हैं बेसिकली किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो किसी एक रेफरेंस के थ्रू किसी एक रेफरल पॉइंट से कहाँ पर मौजूद है सो क्वेश्चन नंबर वन इज वेयर इज द का स्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर वन में वो कह रहे हैं कि काउ जो है वो कहाँ पर खड़ी है तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो काउ जो है वो कहाँ पे है वो फील्ड्स में खड़ी है तो हम कह सकते हैं द काउ इज स्टैंडिंग इन द फील्ड ओके सो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर वन है इसमें हम देखें Uh, तो काओ जो है वो फील्ड में है तो इसमें इन का जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है ये उसकी पोजीशन को बता रहा है सो दैट्स इट अ पोजीशन वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बॉय सिटिंग यानी लड़का जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है हमें उसकी पोजीशन बतानी है द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है तो क्योंकि हमने उसकी पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है अंडर तो अंडर इज अ पोजिशन word जिसका मतलब होता है नीचे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेयर इज द सन यानी सूरज जो है वो कहाँ है उसकी पोजीशन के बारे में वो पूछ रहे हैं that's why वो वेयर करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है उसकी पोजीशन हमें बतानी है द सन इज बिहाइंड द माउंटेन्स सूरज जो है वो माउंटेन्स के पीछे है पहाड़ों के पीछे है तो क्योंकि वो उन पहाड़ों के रेफरेंस से बता रहे हैं कि वो उसके पीछे हैं तो यहाँ पे हमने पीछे के लिए द, जो वर्ड यूज़ किया है वो है बिहाइंड ओके बिहाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीछे सो so, हमने इन तीनों सेंटेंसेस में जो आ, अपने पोजीशन वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो है इन अंडर बिहाइंड पोजिशन वर्ड्स जो हैं इसके अलावा भी हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो यही हो इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम्पल्स जैसा कि ऑन हो सकता है बिसाइड हो सकता है ठीक है दीज ऑल आर पोजिशन वर्ड्स सो ये पोजिशंस जो हैं ये मैंने आपको किसी एक रेफरल पॉइंट से बताई हैं जैसे कि मैंने आपको काओ के लिए बताया कि वो फील्ड पर है तो अगर आप इसकी काओ की पोजिशन किसी और तरीके से बताएंगे तो आप कोई और पोजिशन वर्ड्स जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि द काओ इज़ नियर द लेक इसमें हमने काओ की पोजिशन ही बताई है लेकिन हमने लेक के अकॉर्डिंग बताई है लेक को हमने एज़ अ रेफरल पॉइंट यूज़ किया है और अगर हम बॉय के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि वो ट्री के अंडर है यानी ट्री के नीचे है लेकिन आप सियोर तरीके से अगर बताएं कि बॉय कहाँ पे बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास ठीक है तो ये भी उसकी पोजीशन हो सकती है सो द थिंग इज़ कि किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है वो आप एक रेफरल पॉइंट यूज़ करके बता सकते हैं और वो आप डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं ठीक है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको हमें फॉलो करना है